प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में मैं आप सभी का आगरा मसीह मंडली इस पेज पर स्वागत करती हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन में दिया कि हम प्रभु की स्तुति आराधना के लिए, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए और उसके नाम की प्रशंसा करने के लिए एकत्रित हो सके। आइए हम इससे पहले की अपनी आराधना को शुरू करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सामर्थी परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता प्रभु जी, बड़ी दीनता नम्रता से हम आपके पास आते हैं पिता। दिन भर की तमाम आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते मेरे राजा मेरे स्वामी। हर एक कार्य करने में, बाहर आने में जाने में, हर समय पिता सुबह से इस वक्त तक आपने हमारी रक्षा की, हमको अपने पंखों की आड़ में छुपा कर रखा। प्रभु हम आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते, क्योंकि आप आदर के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं और स्तुति के योग्य हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु आप हमसे अगापे प्रेम करने वाले ईश्वर हैं। इस सारी पृथ्वी पर, सारे जगत में प्रभु एकमात्र आप ऐसे उद्धार करता है जो हमसे, हमारे जीवन से ज़्यादा प्रभु हमसे आप प्रेम करते हैं। आप प्रभु जी हर एक बातों के लिए हम सिर्फ आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम स्तुति आराधना में जाएंगे और हम गीत गाएंगे। मेरा ऐसा लगा कि मुक्ति दिलाए यीशु स्तुति गाऊंगा, हे
कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु की महिमा में हम एक और गीत गाएंगे। वो मसूद है यहाँ, वो मसूद है यहाँ, वो मसूद है यहाँ।
यहाँ, वो मसूद है 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 यहाँ। विश्वास कर वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने मेरे काम हो जाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। सबका खुदा तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। इतने पापी हैं सबको क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सबको क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। मेरी जिंदगी में आके,
परमेश्वर के समक्ष गा सके। प्रभु हम सब के मुख से निकले हुए इस स्तुति आराधना के गीतों को स्वीकार करें। आइए हम अपने आज के वचन में जाएंगे। आज जो वचन हम बाइबल में से पढ़ेंगे वो मिलता है पहला शमूएल उसका पहला अध्याय। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और उसकी हम पढ़ेंगे 7 आयत से लेकर के और 16 आयत तक। 7 आयत से लेकर के 16 आयत तक पढ़ देंगे। वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था। वह तो जब जब एलकाना मेल बलि चढ़ाता था तब वह अपनी पत्नी पनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनीना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना न खाती थी। इसलिए उसके पति अलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? तब शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को
अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और उसकी 4 आयत से लेकर के 11 आयत तक आपके सामने पढ़ा। परमेश्वर के वचन को समझने के लिए और समझाने के लिए मुझ में ऐसी कोई योग्यता नहीं और ना ही इतनी बुद्धि है ना ज्ञान है कि मैं इस महान जीवते वचन को समझा सकूं। इससे पहले कि हम इस वचन को समझें और इस वचन पे हम बातचीत करें, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। जीवते सनातन ईश्वर पिता, बुद्धि का आरंभ और अंत प्रभु तुझी से है। हर एक टूटे हुए पात्र को उठा करके अपने योग्य बनाने वाला प्रभु तू ही है। अनुपयोगी पात्रों को प्रभु जी उपयोग में लाने वाला एकमात्र यीशु मसीह तू ही है। हाँ प्रभु, उन ऐसे अनुपयोगी पात्रों में से एक पात्र प्रभु जो मैं हूँ, तूने अपनी महिमा के लिए चुना प्रभु, तेरा धन्यवाद करती हूँ। इस समय पिता इस वचन को समझने की और इस पर समझाने के लिए प्रभु जी तो मुझे अपनी बुद्धि से भर प्रभु जी, क्योंकि मैं तो वो पात्र हूँ पिता जो किसी उपयोग का नहीं, जो निकम्मा है, जो पापी है, जो घिनौना है, परंतु प्रभु जी तूने इस पात्र को प्रभु उठा करके अपने लिए उपयोग में लाया, तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु। प्रभु स्वर्ग से बुद्धि देकर, ज्ञान देकर इस समय तू हमसे बातचीत कर। ये मुख मेरा हो प्रभु जी, परंतु शब्द तेरी ओर से हो मेरे राजा। हाँ मेरे प्रभु, आज हम यहाँ से कुछ नया सीखें और अपने जीवनों में उसको उतारें प्रभु जी, और हर दिन प्रतिदिन तेरे वचन के अनुसार प्रभु हम अपने जीवनों को चलाएं। हम में से प्रत्येक को प्रभु जी, हर एक की बुद्धि को, हर एक के ज्ञान को, हर एक के नेत्रों को प्रभु यीशु मसीह तो अपने पवित्र आत्मा के लहू के बारे में कवर करना मेरे राजा। कोई भी ऐसी भटका देने वाली आत्मा प्रभु हमारे बीच में प्रवेश न करने पाए कि हमारे ध्यान यहाँ वहाँ भटके। प्रभु हम सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर अपने नजरों को लगाने वाले हो सके यीशु मसीह, इस प्रार्थना को स्वीकार कर पवित्र और मीठे नाम से मांगती हूँ पिता यीशु राजा, आमीन। आज जो वचन मैंने आपके आगे पढ़ा, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और उसकी 4 आयत से लेकर के और 11 आयत तक, आज थोड़ी देर के लिए बाइबल के इस पुराने नियम की किताब शमूएल की पुस्तक और ये जो आयतें आपके आगे पढ़ी हैं, इन आयतों पे हम विचार करेंगे। एल्काना नामक व्यक्ति है और जो कि इज़राइल देश में जब कोई न्यायी नहीं थे उस समय वो वहाँ रहा करते थे, और एल्काना की पत्नी है और एक नहीं वरन उसकी 2 पत्नियाँ बताई गई हैं एल्काना की। एक का नाम हन्ना है और दूसरी का नाम फनीना है, और बाइबल बताती है कि फनीना के तो बच्चे थे परंतु हन्ना बांझ थी। अब बहुत सारी बार अपने मनों में जब हम इस वचन का अध्ययन करते हैं या फैमिली में या आस पड़ोस में हम कहीं ऐसी स्त्री को देखते हैं जिसके पास की बच्चे नहीं हैं, तब हम उसको देख करके और अपने मुंह को बिचकाते हैं, है ना?
सचमुच ऐसा होता है और उसे दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो बांझ है। अपने बच्चे को उसके पास जाने देना पसंद नहीं करते क्योंकि वो बांझ है। परंतु यहाँ तो पवित्र शास्त्र में परमेश्वर से डरता हुआ व्यक्ति जो एलकाना है, उसकी दो पत्नियां हैं और एक को परमेश्वर ने बच्चों का दान दिया है और दूसरी की कोख को बंद करके रखा है। सोचो तो कैसा लगता है, क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया होगा? कई बार हमारे जीवनों में भी ऐसी बनाव बनते हैं। एक ही घर में रहते हुए एक बहुत बुद्धिमान है और एक बिल्कुल डफर है, और जब हम उन दोनों में कंपैरिजन करते देखते हैं तो ऐसा लगता, ओ ये तो कितना अच्छा है, ये कितना बुद्धिमान है और ये डफर है। कई बार लोग एक दूसरे को शक्लों को देख करके, ओ वाओ ये कितनी खूबसूरत है, ये तो ऐसे ही दिखती है। परंतु मेरे प्रियो, यदि हम बाइबल में गौर करें और बाइबल को पुराने नियम से उठाकर नए नियम तक हम कहीं से भी खोलकर बाइबल को पढ़ेंगे तो हर जगह हर समय हमको ऐसे वाक्य पढ़ने में मिलते हैं जिनको हीन दृष्टि से देखा गया, परमेश्वर ने उसको अपने लिए उठाया। हालेलुया, सच्ची बात है, बिल्कुल सही बात। जिस किसी को नीच दृष्टि से देखा गया, जिस किसी को बुरी दृष्टि से देखा गया, जिसको ये समझा गया ये किसी काबिल नहीं है, जिसको ये समझा गया ये तुच्छ है, जिसको ये समझा गया ये तो बेकार है, परमेश्वर पिता ने उसी को उठा करके अपने लिए उपयोगी पात्र बना लिया। अब यहाँ पर जब हम बाइबल पढ़ते हैं और शमूएल के विषय में हम देखते हैं, हन्ना और एलकाना और फनीना के विषय में हम देखते हैं, तो परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो बताता है कि किस तरह से जो फनीना है वो अपनी सौतन को, हन्ना को उसके ऊपर चिढ़ती थी, उससे जेलसी करती थी और मन ही मन में और सामने उसको टॉर्चर करती थी। अब जरा सोचिए, काश अगर अपने घर में ऐसा हो, एक जन को बहुत ज्यादा आदर सम्मान रिस्पेक्ट क्योंकि वो बहुत अच्छा है, और दूसरे के संग ऐसा दुर्व्यवहार किया जाए तो आप विचार करिए कि जिसके संग दुर्व्यवहार होता है वो व्यक्ति क्या करेगा। आज की परिस्थिति को देखकर, जिस युग में हम रह रहे हैं, जिस समय में हम चल रहे हैं, इस समय में यदि एक घर में दो पत्नियां हैं और एक के पास बच्चे हैं और एक के वो बांझ है और पति तो दोनों को ठीक रखता है, परंतु जो पत्नियां हैं आपस में, जिसके पास बच्चे हैं और जिसके पास नहीं है, वो उसको ताने मारती है, उसको टॉर्चर करती है, तब उस घर का हाल क्या होगा? और जो जिसके पास बच्चे नहीं है वो उसके संग क्या व्यवहार करेगी? संभव है बहुत झगड़ा होगा, होगा ना? आज की परिस्थिति को देखते हुए, आज के वातावरण को देखते हुए और आज के जो युग में हम रह रहे हैं, उस युग में यदि आज हम ऐसा देखें तो बहुत सारे बनाव हमको ऐसे देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारे बनाव। एक ही घर में दो देवरानी जेठानी आपस में एक दूसरे से जेलसी करती, एक ही घर में 5, 7, 8 बच्चे रहते हैं और आपस में एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, आस पड़ोस में सगे सगे भाई रहते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को देख के टोना मारते हैं, मुंह बिचका के चले जाते हैं, मुंह फेर के चले जाते हैं, कोई जय मसीह की नहीं बोलता, कोई प्रेस द लॉर्ड नहीं बोलता, कोई सलाम नहीं करता। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा सच में होता है? मन से मन गणत बातें बना लेते, उसने मेरे को देखकर ऐसा किया, आज के बाद मैं उससे बात नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, वो मुझसे नहीं बोली। इतनी सी बात को लेकर के बहुत लंबा चौड़ा खींच के कर दिया जाता है और बड़े बड़े झगड़े हो जाते, होते हैं ना, नहीं बोली। परंतु यहाँ तो हन्ना के संग आप देखिए कि क्या हो रहा है। हन्ना को उसकी जेठानी
बहुत चिढ़ाती है, मुंह बिचकाती है, बुरी बुरी बातें बोलती है, कहती तेरे पास तो बच्चे नहीं हैं और मेरे पास तो बच्चे हैं। किंतु जब मैं इस बाइबल के अध्ययन को पढ़ रही थी, तब वहाँ बड़ी ही खूबसूरत एक बात जो मेरे दिल को छू गई, और वहाँ पर ऐसा लिखा है सातवीं आयत में, छठी आयत में, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख को बंद रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। अब इसके नीचे जो लिखा आप गौर से सुनिए, वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब हनीना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? जब ये मैं पढ़ रही थी तो यहाँ पर ऐसा लगा कि पति जो एलकाना है वो दोनों को बराबर रखता था। एलकाना के मन में जिसके पास बच्चे हैं फनीना, उसके लिए कोई ज्यादा और कम प्रीति नहीं थी। हन्ना जिसके पास बच्चे नहीं हैं, उसके लिए उसके मन में कोई ज्यादा और कम प्रीति नहीं थी। परंतु बाइबल बताती है कि जब हन्ना रोती, बिलकती, दुखी होती, उदास होती, और एलकाना यहोवा के मंदिर में जाता, चढ़ावा चढ़ाता, दंडवत करता, मेल बलि चढ़ाता, उस समय जब शीलो में वो जाता, तब वो हन्ना से पूछता है कि हन्ना तू क्यों उदास है। परंतु यहाँ पर हमको एक बात देखने को मिलती है, हन्ना का चुप रहना और परमेश्वर पर विश्वास करना। हालेलुया। हमको जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है कि हन्ना चुप रहती और यहोवा परमेश्वर पर पूरे मन से विश्वास करती और उसके आगे गिड़गिड़ाती और उससे प्रार्थना करती। जब एक उसकी सौतन उसको चिढ़ा रही है, उसको बुरे बुरे शब्द बोल रही है, उसको इतना कुड़ा कुड़ा के, रुला रुला के निराश कर रही है, दुखी कर रही है, ऐसी परिस्थिति में भी हन्ना वो स्त्री थी जो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रखती थी, उससे प्रेम करती थी, और उसको विश्वास था कि परमेश्वर पिता मेरे दुख के ऊपर दृष्टि करेगा। हालेलुया। आज हमारे जीवनों में, हमारे परिवार में, आस पड़ोस में, नौकरी पर, घर में, कहीं पे भी यदि हमको कोई एक शब्द जोर से बोल दे, ओ बाप रे क्यों बोल दिया, है ना। छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत ही अपने आप में उनका ईगो हर्ट होता है, आपने सबके बीच में मुझे बोल दिया, आपने मुझे डांट दिया। छोटे छोटे बच्चे मुंह फुला लेते, गुस्सा हो जाते, उनकी मम्मी से बात नहीं करते। हन्ना तो ऐसी बातें रोज फेस करती थी। हन्ना को इतना टॉर्चर किया जाता था, हन्ना को इतना चिढ़ाया जाता था। शायद फनीना बोलती होगी, ओ देखो उसको, देखो वो तो बांझ है। शायद अपने बच्चों को बोलती होगी, इसके पास मत जाना क्योंकि इसके पास बच्चे नहीं है, परमेश्वर ने इसकी कोख को बंद कर रखा है। परंतु मेरे खुदा के लोगों, इतनी टॉर्चर होने के बावजूद भी हन्ना का पूरे दिल से विश्वास यहोवा परमेश्वर पर था, यहोवा परमेश्वर पर था। और बाइबल बताती है कि एलकाना हन्ना से कहता है कि तू क्यों मन में दुखी है और तू क्यों रोती है हन्ना, तू क्यों खाना नहीं खाती है। हन्ना, क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? यदि तेरे 10 बेटे होते हन्ना और तुझसे प्रेम नहीं करते, तेरी चिंता नहीं करते, तुझे पूछते नहीं कि माँ तू क्यों रो रही है, तूने खाना नहीं खाया, तू क्यों उदास है, तू क्यों दुखी है, अगर तेरे 10 बेटे हो करके और तुझे नहीं पूछते, तब तेरे दिल में कैसा लगता।
परंतु मैं तेरा पति हन्ना, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हन्ना से कहता है, तू क्यों दुखी है, मन मन में तू क्यों उदास है, मैं 10 बेटों से भी बढ़कर तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। हन्ना को परमेश्वर ने एक ऐसा पति दिया, इतना प्रेम करने वाला पति दिया कि वो बांझ है, उसकी कोख बंद है, उसके बावजूद भी उसका पति कहता है कि तू क्यों उदास होती है, क्या मेरा प्रेम तेरे लिए 10 बेटों से भी बढ़कर अच्छा नहीं है। और जरा सोचिए, हन्ना को उसके बावजूद भी अपने मन में दुख और उदासी लिए हुए है। और हन्ना 9वीं आयत में लिखा है, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। हन्ना वहां से उठी, शीलो में जब बलिदान हो गया, परमेश्वर के सामने एलकाना का दंडवत हो गया, परमेश्वर के सामने उसने मेल बलि चढ़ाई और हन्ना से बातचीत करी, परंतु हन्ना अपने मन में बहुत ही दुखी हो गई। आज तो मैं अपने हृदय का सारा दुख अपने उद्धार कर्ता के सामने खोल खोल के बताऊंगी। आज तक मेरी जेठानी, मेरी सौतन ने, जो बड़ी है, जो जेठी है, जो मुझसे बड़ी है, उसने उसके बच्चों के ऊपर से लेकर के मुझे बहुत दुख पहुंचाया है, उसने मुझे बहुत ताने मारे हैं, उसने मुझे बहुत चिढ़ाया है, परंतु हे परमेश्वर यहोवा, आज मैं तेरे सामने अपने एक एक दुख को खोल खोल के बताऊंगी। और हन्ना उठ करके शीलो में खाने और पीने के बाद मंदिर में जाती है, और जब मंदिर के दरवाजे के पास चौखट पे खड़ी रहती है, उसका हृदय टूटा हुआ है, उसका दिल दुखी है, हन्ना बहुत ही निराश है, परंतु उसके मन में यहोवा के प्रति प्रीति और विश्वास है। और हन्ना की एक क्वालिटी आप देखेंगे कि हन्ना ने अपनी सौतन के सामने कभी भी जवाब नहीं किया, उसने कभी झगड़ा नहीं किया, जबकि वो उसको चिढ़ाती है, उसकी निंदा करती है, उसको तुच्छ जानती है, हन्ना को इतनी वेदना पहुंचाती है, परंतु चुप रह करके वो हमेशा अपने मन में शांत रहती थी। और बाइबल बताती है कि जब हन्ना चौखट पे जाके खड़ी होती है, एली एक साइड कुर्सी पर बैठा है। 10वीं आयत में लिखा है, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत सारी परेशानियां होंगी, शायद ऐसी वेदना होगी, शायद कोई ऐसा प्रश्न होगा, शायद कोई ऐसी उलझन होगी, शायद कोई ऐसी समस्या होगी, जिस समस्या के खातिर, जिस परेशानी के खातिर हम अपने मन में उदास होंगे, हम अपने मन में दुखी होंगे। बाइबल बताती पहला शमूएल पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत में कि हन्ना परमेश्वर के सामने प्रार्थना करके बिलक बिलक के रोने लगी, जैसे कोई छोटा बच्चा रोता है, इस तरह से वो परमेश्वर के सामने बिलक बिलक कर रोने लगी, बिलक बिलक कर रोने लगी। और बाइबल बताती है यहाँ 11वीं आयत में इस प्रकार से लिखा, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधी ले और मेरी दास और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। हालेलुया। हन्ना इस तरह से प्रार्थना करती, आप देखिए हन्ना के मन में बहुत वेदना है, वो अपने दुख के आंसू परमेश्वर को बताती है। घर में तो उसको बहुत सताया जा रहा है, बहुत टॉर्चर करा जा रहा है, इतना मन टूट गया है, निराशा है, कोई आशा नहीं है, बच्चा भी होने की कोई आशा नहीं दिखाई देती, परंतु वो परमेश्वर के पास गई और कहती है कि यदि तू अपनी दासी के दुख पर दृष्टि करे और उसको एक बेटे का दान दे,
तब परमेश्वर पिता, मैं तेरे सामने ये मन्नत मानती हूं कि उस बेटे को मैं तेरे मंदिर में छोड़ दूंगी, उस बेटे को मैं तेरे मंदिर में छोड़ दूंगी। परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाई हुई प्रार्थना, आंसुओं की प्रार्थना, हन्ना ने अपने सारे दुखों को चुपचाप सहा और धीरज रखा, धीरज रखा। और बाइबल बताती है, यदि आप इसको आगे तक अध्याय को पढ़ेंगे, तब यहोवा परमेश्वर ने 12वीं आयत में लिखा है, जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु शब्द सुनाई ना पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। आप देखिए, परमेश्वर के साथ बात करने का हन्ना का जो तरीका था, परमेश्वर के समक्ष उसके सामने गिड़गिड़ाने का, प्रभु के सामने अपने दुखों को बयान करने का, हन्ना को कुछ नहीं पड़ी थी कि मुझे कौन देख रहा है, कौन मेरे पास बैठा है, कौन मेरे मुंह को देख रहा है, कौन बोलेगा ये कैसी रो रही है, कौन बोलेगा ये वही हन्ना है जिसके पास बच्चे नहीं है। हन्ना को किसी बात की परवाह नहीं। हन्ना ने अपने हृदय का सारा दुख, अपने हृदय की सारी चिंता, वो सारे टॉर्चर जो उसकी जेठी भनीना उसको करा करती थी, हन्ना के ऊपर जो वो ऐसे मुंह बिचका बिचका कर उसको दोष लगाया करती थी, हन्ना को पूरे समय बुरे बुरे शब्द बोल करके जलील किया करती थी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हन्ना ने एक एक बात परमेश्वर के सामने रख दी। ओ प्रभु परमेश्वर, तू अपनी दासी हन्ना की सारी जलीलता को जानने वाला है, इस कोख को तू खोलने वाला है। ओ हालेलुया, यस मेरे प्रियो, हन्ना ने परमेश्वर के सामने अपने सारे दुख को बयान कर दिया। आज मैं और आप भी, यदि हमारे हृदय में किसी भी प्रकार का कोई दुख है, यदि हमारे मनों में कोई टेंशन है, यदि हमारे कोई ऐसे कार्य हैं जो नहीं हो पा रहे हैं, यदि हमारे जीवनों में बहुत सारे समय से हम प्रभु से किसी एक चीज को मांग रहे हैं, आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके मन की, मेरे और आपके विचारों की एक एक बातों को सुन करके उसको पूरा करने वाला है। हालेलुया, जिस तरह उसने हन्ना की प्रार्थना को सुना, जिस तरह हन्ना के चुप रह करके सहने की शक्ति को देखा, परमेश्वर पिता ने देखा कि इस हन्ना ने आज तक इसके ऊपर कितना, इसकी सौतन ने कितना इसको दुख पहुंचाया, कितना इसको संकट दिया, कितना इसको रुलाया, परमेश्वर ने हन्ना के चुप को देखा। मेरे प्रिय, हन्ना के चुप को देखा। मैं और आप भी स्त्रियां हैं, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे कुटुंब में, हमारे आस पड़ोस में कई बार ऐसी बातें जो हमारे विपरीत होती है, हमारे जीवनों में भी हमको बोला जाता है। कई बार यदि कोई गलत काम हम करते नहीं हैं, उन बातों को लेकर के हमको टॉर्चर किया जाता है। कई बार हम कुछ अच्छा करने जाते हैं तो भी हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं। ओ मेरे प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, हन्ना के जीवन से मैं और आप ये सीख सकते हैं, हन्ना ने किस तरह से अपने आप को प्रभु के समक्ष निर्दोष रखा। उसने अपनी सौतन से झगड़ा नहीं किया, जब उसकी सौतन उसको चिढ़ाती थी उसके बदले उसने कोई दलीलें नहीं करी। हन्ना चुपचाप आंसू बहाकर शांत रहती थी, परंतु हन्ना परमेश्वर के सामने जाकर अपने दुख का बयान करती है। आज मुझे और आपको भी, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, अपने एक एक दुख को, अपनी एक एक परेशानियों को, ऐसी मुसीबतों को, ऐसे संकटों को, ऐसे प्रश्नों को जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल रहा है,
आज समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह के सामने पुकारें। जिस तरह हन्ना होठ तो हिलते थे, एली उसको देखता है और कहता है कि ये क्या नशा करे हुए है। एली समझता है इसने तो नशा किया हुआ है, क्योंकि उसके होठ तो हिलते थे, आंसू तो बहते थे, परंतु कुछ सुनाई नहीं देता था कि हन्ना क्या बोल रही है। यस मेरे प्रिय, मेरे और आपके जीवनों में भी बहुत वेदना होती है जब हमारे विपरीत काम होते हैं, बहुत तकलीफ होती है जब हमारे विपरीत हमारे बच्चे नहीं सुनते हैं, हमारा पति नहीं सुनता है, हमारी बहन नहीं सुनती है, हमारी सास नहीं सुनती है, हमारी दोस्त नहीं सुनती है, हमारी माँ नहीं सुनती है। हम यदि कुछ अच्छा कहने जाते हैं और वो हमको विपरीत में जवाब मिलता है, बहुत वेदना होती है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है चुपचाप रहकर, शांत रहकर उसके सामने पुकारेंगे, तब वो मेरी और आपकी प्रार्थना को सुनकर उसका हाँ और आमीन में जवाब देगा। यस मेरे प्रियो, हाँ और आमीन में जवाब देगा। हन्ना ने कितना अपने आप को सहा। हन्ना के दुख से बढ़कर मेरे और आपके जीवन में शायद दुख नहीं हो सकता। एक ही घर में रहते हुए पनीना उसको चिढ़ाती है, उस पर तोहमत लगाती है, उसको बुरी नजरों से देखती है, उसके ऊपर दृष्टि नहीं करती है, परंतु हन्ना परमेश्वर के समक्ष शांत रही। और मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, पवित्र शास्त्र बताता है कि जब हन्ना परमेश्वर के सामने रो रही है, बिलक रही है, गिड़गिड़ा रही है, ओ प्रभु परमेश्वर तू अपनी दासी के ऊपर दया कर, ओ प्रभु परमेश्वर तू अपनी दासी के ऊपर दृष्टि कर, मैं तुझसे मन्नत मांगती हूँ, आज तक मेरे विपरीत सारी बातें थी, प्रभु आज के बाद मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में दे दूंगी, आज के बाद प्रभु मैं तेरे लिए चलूंगी, आज के बाद प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं तेरे लिए जीऊंगी। मेरे प्यारे बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आज प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपकी आवाज को सुनेगा, आज वो मेरी और आपकी बात को सुनेगा, जिस तरह हन्ना की पुकार को सुन करके परमेश्वर ने उसको एक बेटे का दान दिया। जी हाँ, बाइबल बताती है शमूएल परमेश्वर का दास, वो उस हन्ना की कोख से जन्मा जो कोख बंद पड़ी हुई थी, उसके दुख को परमेश्वर ने आनंद में बदल दिया। आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके दुख को भी आनंद में बदलने के लिए मुझे और आपको अपने पास बुलाता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन जो इतने साल पहले था वो आज भी है। परमेश्वर पिता जो इतने साल पहले चट्टान में से पानी निकालकर इसराइलियों को पिलाता था, आज मेरे और आपके जीवनों की चट्टानों को, चाहे विशाल चट्टाने क्यों ना हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर पिता आज उन चट्टानों को तोड़ने के लिए, उन चट्टानों को बदलने के लिए और उन चट्टानों की जगह पर आनंद बनाने के लिए मुझे और आपको अपने पास बुलाता है। यस मेरे प्यारे भाइयों, हर एक विपरीत परिस्थिति जो हमारे समक्ष होती है वो किसी चट्टान से कम नहीं है। हर एक वो समस्या, हर एक वो परेशानी जो हम बहुत व्याकुल हो जाते हैं, वो किसी चट्टान से कम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आज मेरे और आपके जीवनों की हर एक चट्टानों को तोड़ेगा। यस मेरे प्रियो, हर एक चट्टानों को तोड़ेगा। वो परमेश्वर पिता जो रात के अंधेरे में खंबा बनकर इसराइलियों को उजाले में चलाता, आज वो मेरे और आपके जीवनों को, मेरे और आपके बच्चों को, मेरे और आपके पतियों को वो अंधकार से, वो नशे की आत्मा से, वो बुरी आदतों से, वो हर एक गंदी बातों से निकाल करके और एक आजादी और एक प्रकाश की जिंदगी देना चाहता है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। परमेश्वर पिता जो इतने हजार साल पहले था, वो आज भी मेरे और आपके लिए वही करता है। परंतु क्या मैं और आप हन्ना की तरह उसके पास जाकर के खाली होते हैं,
क्या हम हन्ना की तरह जा करके उसके सामने रोते हैं? क्या हम अपने बच्चों के लिए रोते हैं? क्या हम अपने पति के लिए रोते हैं? क्या पति अपनी पत्नियों के लिए रोते हैं? क्या अपने बच्चों के लिए रोते हैं? ओ प्रभु, तू मेरे बच्चों पर दया कर। ओ प्रभु, तू मेरे घर पर दया कर। ओ प्रभु, मेरे माता पिता पर दया कर। ओ प्रभु, तू मेरे लोगों पर दया कर। क्या हम रोते हैं? क्या हम हन्ना की तरह प्रभु के सामने मन्नत मांगते हैं? यस प्रभु, मैं तुझसे मन्नत मांगती हूँ। हाँ प्रभु, मैं तुझसे वादा करती हूँ, तू मेरे जीवन में तेरी आशीष को आने दे, तेरी पवित्र आत्मा को आने दे। प्रभु, आज से मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं तेरे लिए जीऊंगी। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप देखिए 13वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुनाई पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? एली उठ करके हन्ना को कहता है, तू कब तक नशे में रहेगी? क्या मेरी और आपकी प्रार्थना ऐसी होती है प्रभु के आगे कि कोई मुझसे और आपसे आकर कहे कि तू कब तक प्रार्थना करती रहेगी? तू कब तक बाइबल पढ़ती रहेगी? तू कब तक दुआ करता रहेगा? तू कब तक परमेश्वर का वचन पढ़ता रहेगा? तू कब तक परमेश्वर का वचन लेके बैठी रहेगी? तू कब तक परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता रहेगा? तू कब तक प्रभु के आगे रोती रहेगी? क्या मेरी और आपकी प्रार्थना ऐसी होती है, ऐसी होती है कि कोई हमको कहे कि तू कब तक प्रभु के सामने बैठी रहेगी, बैठी रहेगी? और 14वीं आयत में लिखा है, तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। और मेरे प्रियो 15वीं आयत में हन्ना कहती है, हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखियारी हूँ। हन्ना कहती है, ओ मेरे प्रभु, मैं दुखियारी हूँ, मैंने ना तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा पी, मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। हालेलुया। हन्ना की प्रार्थना आप देख लीजिए, हन्ना क्या कहती है, मैंने बहुत शोकित होकर, बहुत वेदना से, बहुत दुखित होकर, ना मैंने मदिरा पी है, ना मैंने दाख मधु पिया है, मैंने कोई नशा नहीं किया, परंतु मेरे प्रभु, मैं बहुत चिढ़ाई गई हूँ। मुझे लोगों ने, परिवार ने, घर ने, आस पड़ोस ने और हर एक लोगों ने मुझे चिढ़ा चिढ़ा के इतना दुखित कर दिया है कि मैं मेरे प्रभु के सामने आज रो रही। हन्ना कहती है, मैं इतनी चिढ़ाई गई हूं, मैं इतनी शोकित हो गई हूं। यस मेरे प्रियो, क्या मेरी और आपकी इस तरह से प्रार्थना है प्रभु से कि प्रभु, मैं सचमुच बहुत शोकित हो गई हूँ, मैं मन ही मन पूरी टूट गई हूँ, मैं खाली हो गई हूँ, प्रभु मैं किसके पास जाऊं? मैं तेरे पास आई हूँ, मैं तेरे पास आई। ओ हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है 17वीं आयत में लिखा, एली ने कहा, कुशल से चली जा, इसराइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। और वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना हुआ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह का। एली ने जब जाना कि वो परमेश्वर से किस तरह काउंसलिंग कर रही थी, कैसी बातें कर रही थी, ओ प्रभु तेरे दासी के ऊपर दृष्टि कर प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत चिढ़ाई गई हूँ, बहुत निराश हूँ प्रभु जी, तो अपनी दासी की कोक को खोल दे, एक बेटे का दान दे दे। मेरे प्रियो, एली कहता है, तू कुशल से चली जा और तेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो। और मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल में आगे पढ़ेंगे 19वीं आयत से, तब आप देखेंगे कि किस तरह से हन्ना की प्रार्थना
जो चुप रहकर दुखियारी मन की, टूटे हुए हृदय की और आंसुओं की और शोकित की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, आज वही परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थना आप सबकी प्रार्थना को सुन करके हाँ और आमीन में जवाब देगा। हम यदि 19वीं आयत पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हन्ना प्रेग्नेंट होती है, हन्ना को परमेश्वर एक पुत्र देता है और वो पुत्र परमेश्वर का दास बनता है जिसका नाम है शमूएल। शमूएल, मैंने और आपने आज परमेश्वर के वचन से यही सीखा है हन्ना की प्रार्थना से कि हमको भी हमारे जीवन में चाहे कितने भी हम निराश क्यों ना हो, चाहे कोई हमको कितना भी टॉर्चर क्यों ना करे, चाहे हमारे ऊपर कितने भी दोष ना लगाए जाएं, चाहे लोग हमारी कितनी भी निंदा क्यों ना करे, परंतु चुप रह करके हमें परमेश्वर के आगे अपनी एक एक विनती और प्रार्थना को रखना है। वो हमारे दुखित मन की बोझ को अपने ऊपर लेकर आनंद में बदल देगा, आनंद में बदल देगा। परमेश्वर पिता आपको और मुझे इन वचनों को मनन करने की सामर्थ्य दी, प्रभु का धन्यवाद हो। इन वचनों पे चलने की प्रभु मेरी और आपकी अगुवाई करे और मेरा और आपका विश्वास और मेरे और आपकी सहनशीलता परमेश्वर हन्ना की तरह बनाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। यस, आइए हम लास्ट में प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 सामर्थी परमेश्वर पिता, प्रभु धन्यवाद देते सुंदर वचन के लिए। हाँ मेरे राजा मेरे स्वामी, एलकाना की दोनों पत्नियों के जीवन हमने देखे प्रभु जी। पनीना हन्ना को हमेशा टॉर्चर करती थी, उसको चिढ़ाया करती थी, उसको परेशान करा करती थी, परंतु पिता परमेश्वर हन्ना ने तो अपनी आंखें तेरी ओर लगा के रखी थी। हन्ना ने अपने मन को शांत करके प्रभु जी हर एक उस अपने सौतन के और इल्जामों को, हर एक उसकी निंदा को प्रभु चुपचाप रह करके सहा। और हे मेरे पिता, हन्ना जब तेरे पास आती है, अपने दुख को तेरे सामने बयान करती है प्रभु, तो उसको एक बेटे का दान देता है। हाँ प्रभु जी, शांत मन रह करके हन्ना ने जैसे सहन शक्ति दिखाई, पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में भी स्त्री होने के नाते प्रभु तो हमको सहनशीलता दे, शांत मन दे। और प्रभु हम में से जितने भाई बहन इस समय ऑनलाइन बैठे इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना में शामिल है, प्रभु जी हर एक के जीवन में कभी ना कभी कितनी बार ऐसे बनाव बनते हैं पिता कि हमको चिढ़ाया जाता है, बरजबरी हमको परेशान किया जाता है। हाँ प्रभु जी, तो अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से सहन शक्ति दे मेरे राजा, हर एक विपरीत परिस्थितियों को तो बदल दे प्रभु जी, क्योंकि तूने जो हन्ना के साथ किया तो प्रभु वही दया वही अनुग्रह आज भी हमारे साथ करता है। हाँ प्रभु, हम अपने हर एक कमी घटियों को तेरे सामने लाते हैं, प्रभु हमको क्षमा कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। आज की रात पिता परमेश्वर हम में से हर एक से अपने वचनों के द्वारा तू बात कर पिता। धन्यवाद देती पिता, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रभु आगरा मसीह मंडली इस पेज के लिए तुझसे प्रार्थना करती यीशु राजा, इस पेज में जुड़े हैं हर एक व्यक्ति के लिए तुझसे प्रार्थना करती प्रभु जी। अनुपम भैया, शबनम भाभी और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करती पिता। हर एक को प्रभु तो अपनी उत्तम से उत्तम आशीषों से भर, और इस पेज के माध्यम से पिता बहुत सारे लोग तुझे पहचानने वाले। यस मेरे राजा, इस प्रार्थना को स्वीकार कर मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। सुनो और ग्रहण करो बाप, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे और इस वचन पर चलने की हमको अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमारी सहायता करें। जैसा आप सब जानते हैं,
कि हर शनिवार आगरा मसीह मंडली इस पेज पर 9 बजे मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आती हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ करके हमारे साथ प्रभु की स्तुति आराधना करें और वचनों को सुने और हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करें। और आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट आप मुझे दे सकते हैं, मैं भी आप सबके लिए हमेशा अपने फैमिली प्रेयर में प्रार्थना करती रहूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।